गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश लिटरेचर लेसन 13 बेटा, क्या लेसन 12 का क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिया कि नहीं? लेसन 12 का कल मैंने भेजा था क्वेश्चन आंसर या नहीं बेटा, ये बताओ। क्या मैंने कल 12 का नहीं पहुंचा? स्टोरी तो एक्सप्लेन कर दिया है ना मैंने, अरे कल स्टोरी एक्सप्लेन किया है, कैसे करो नो सर। हाँ क्वेश्चन आंसर आज पहुंच जाएगा फिर, अगर नहीं पहुंचा है तो आज पहुंचेगा, ठीक है। आइए बेटा, इंग्लिश लिटरेचर में नया जो है वो पोएम है स्टूडेंट, द कश्मीर सॉन्ग। लेसन 13 का जो अगला लेसन है बेटा, लेसन 13 में इंग्लिश लिटरेचर का, वो है द कश्मीर सॉन्ग। कश्मीर के बारे में आप जानते हो, इंडिया का एक स्टेट है, और अब स्टेट तो नहीं रहा, वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। कश्मीर जहां पे सबसे ज्यादा केसर पाया जाता है, एक आइसी प्लेस है कश्मीर, एक ठंडा स्टेट है बेटा, तो उसके बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है, कश्मीर की खूबसूरती के बारे में, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर के बारे में स्टूडेंट बताया गया है। द क्राउन ऑफ इंडिया, इस लेसन का जो पूरा नाम है द कश्मीर सॉन्ग, और नीचे लिखा गया है द क्राउन ऑफ इंडिया बेटा। क्या लिखा गया है? द क्राउन ऑफ इंडिया। क्राउन मतलब होता है बेटा ताज, द क्राउन ऑफ इंडिया, कश्मीर इंडिया का ताज है यह लेसन है। द कश्मीर सॉन्ग, कश्मीर सॉन्ग में जो पोएट ने लिखा है वो एक्चुअली लिखा है द क्राउन ऑफ इंडिया, कश्मीर को भारत का क्राउन बताया है, क्राउन ऑफ इंडिया कश्मीर को बताया गया। ऐसा क्यों किया गया है स्टूडेंट, ये चीज जान लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा है पोएट ने, क्योंकि अगर इंडियन मैप में आप देखेंगे, इंडियन मैप में देखेंगे कश्मीर को, तो स्टूडेंट कश्मीर सबसे ऊपर है, ऊपर है, जैसे कि क्राउन को हेड पे पहना जाता है, कश्मीर भारतीय नक्शे में सबसे ऊपर है, इसीलिए कश्मीर को क्राउन ऑफ इंडिया बोला गया, राइट। साथ ही साथ बेटा स्टूडेंट, कश्मीर को लेकर के उसकी खासियत बहुत सारी बताई गई है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो कश्मीर में पाई जाती हैं, जैसे कि कश्मीर का एप्पल है, कश्मीर का सेब जिसे कहते हैं, सेब वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, केसर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है बेटा, जो शॉल होती है गर्मियों में, जो शॉल वगैरह होता है, कंबल वगैरह होता है, इसका प्रोडक्शन कश्मीर में ज्यादा होता है, पश्मीना भेड़ पाए जाते हैं, उन्हीं से बनाया जाता है, पश्मीना शॉल आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें इस लेसन में है, द कश्मीर सॉन्ग, द क्राउन ऑफ इंडिया ये लेसन का नाम है, ये एक इंडियन पोएट ने लिखा है। एक्चुअली है क्या, जम्मू एंड कश्मीर द क्राउन ऑफ इंडिया इज अ ट्रेवलॉग डिस्क्राइब जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स माइराइड अट्रैक्शंस, इसके अट्रैक्शंस को भी डिस्क्राइब किया गया है कि जम्मू कश्मीर कैसे लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी खूबसूरती से। स्टूडेंट आगे लिखा गया है, देन इट्स मूव ऑन टू टेल इट द हिस्टोरी हाउ इट्स फाउंडेड। इस पोएम में यह भी बताया गया है कश्मीर की स्टोरी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कि कश्मीर को पाया कैसे गया, बनाया कैसे गया, कश्मीर पहले क्या था और अभी क्या है। तो एक्चुअली कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी इस पोएम में दी गई है कि हाउ द कश्मीर हैज फाउंडेड ओवर देयर, कश्मीर को कैसे फाउंड किया गया बेटा, कैसे पाया गया, इसके बारे में जानकारी। क्लियर हो रही है बात? तो सब हाँ, कश्मीर के बारे में है। आगे क्या कहता है पोएट, कहता है द नेक्स्ट द फ्लोरा एंड फूना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लिस्टेड अलोंग विद द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट इन रीजन। फ्लोरा एंड फूना के बारे में भी डिस्कशन है बेटा, फ्लोरा एंड फौना FAUNA, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है बेटा, कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा। फ्लोरा मतलब होता है बेटा वाइल्ड, जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगली फॉरेस्ट, जो जंगल होता है एक्चुअली बेटा, ऐसा फॉरेस्ट जो बोया नहीं जाता, अपने आप उग आता है, फ्लोरा होता है, और जंगली जो एनिमल होते हैं उन्हें फौना कहते हैं बेटा,
वाइल्ड एनिमल को फाउना कहा जाता है, वाइल्ड एनिमल को फाउना कहा जाता है, और जो फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं उसे फ्लोरा कहा जाता है। तो कश्मीर के फ्लोरा और फाउना की भी बात की गई है स्टूडेंट्स। बहुत सारे दो चार नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब ये कि ऐसे जगह हैं जहां पर जंगली जानवरों को सेफ रखा जाता है, कंजर्व रखा जाता है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और नेशनल पार्क भी है जहां पर बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स को रखा गया है। इस तरीके से वहां पे कश्मीर के अंदर नेचुरल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आगे है लिखा, पोएट ने यह भी लिखा है, द ट्रेवल लॉग राइटर कंटिन्यू अ टूर ऑफ द हैंडीक्राफ्ट दैट कश्मीर इज फेमस फॉर द शॉल वुड वर्क एंड कार्पेट एंड कवर इन डिटेल। कश्मीर और भी चीजों के लिए फेमस है, जिसमें से बेटा आपके शॉल वगैरह हो गई, फूड सॉरी वुडवर्क भी है, और साथ ही साथ कारपेट जो हम चटाइयां बिछाते हैं घरों में मोस्टली कश्मीर से बन के आती है। तो इसके बारे में भी पोएट ने एक्सप्लेन किया है। पोएट ने कश्मीर में जो भी प्रोडक्शन होते हैं, हैंडक्राफ्ट का मतलब जो हाथों से बनाए जाते हो बेटा, हैंडक्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात किया है पोएट ने कश्मीर के। हैंडक्राफ्ट का मतलब होता है जो हाथों से बनाए जाए, दैट हैज बीन मेड बाय हैंड, राइट। हैंडक्राफ्ट प्रोडक्शंस के बारे में भी पोएट ने बताया है, जैसे कि शॉल वगैरह हो गया, वुडवर्क हो गया, और जो आप कारपेट बिछाते हैं उसके बारे में पोएट ने स्टूडेंट और भी कुछ लिखा है। मेंशन द जम्मू एंड कश्मीर इज कंप्लीट विदाउट द नोट टू द फेमस कश्मीर फीस्ट ऑफ वजान कश्मीरी क्लास आल्सो आर मेंशन इन द ट्रेवलॉग such as the Faran. Jammu and Kashmir also something for the modern travelers, adventure sport of land. बेटा जम्मू कश्मीर के बारे में पोएट ने आगे भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है, जिसके अंदर उसने बोला है कि जम्मू कश्मीर एक एडवेंचर प्लेस है। एडवेंचर प्लेस का मतलब ये हो गया कि बेटा आप वहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, वहां पे आप स्केटिंग कर सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, आइस स्केटिंग किया जा सकता है स्टूडेंट वहां पर। ये एक एडवेंचर प्लेस है, एडवेंचर प्लेस है, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। मॉडर्न टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, टूरिस्ट के लिए अच्छा प्लेस है, जो विदेशी लोग आते हैं जो घूमना चाहते हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर एक बेहतर प्लेस है स्टूडेंट। तो टूरिस्ट के लिए जम्मू कश्मीर अच्छा प्लेस है, आइसी एरिया है, ठंडा एरिया है, आइस भी काफी दूर तक फैले होते हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के टेरिटरी में ही पाई जाती हैं। तो उन सारी चीजों को लेकर के पोएट ने कश्मीर की खासियत की बात इस लेशन में की है। तो बेटा ये बात हो गई आपकी। आगे उसने बोला है, फाइनली द ट्रेवलॉग कम्स टू अ क्रॉस विद द नैरेटिव ऑफ हाउ जम्मू एंड कश्मीर ऑफर समथिंग टू एवरी टूरिस्ट, दोज हु लीव ऑलवेज वॉन्ट टू गो बैक। कह रहे हैं कि कोई भी टूरिस्ट आता है कश्मीर के अंदर स्टूडेंट, कोई भी टूरिस्ट ऐसा जो कश्मीर में आता है, हर एक टूरिस्ट के लिए कश्मीर में कुछ ना कुछ खास है, कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो खास है लोगों के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर कश्मीर घूमने आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ चीजें उसको पसंद आ जाएंगी, क्योंकि जो कश्मीर है वो नेचुरल यू नो व्हाट ब्लेसिंग्स है, नेचुरली ब्लेस्ड है कश्मीर, नेचुरली ब्लेस्ड है बेटा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे एप्पल हो गया, सॉल हो गया, बहुत सारे वुड के बहुत सारे सामान आपको मिल जाएंगे, राइट। और ये एक एडवेंचर प्लेस भी है जहां पे आप स्पोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं, आइस स्केटिंग वगैरह किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें कश्मीर में मिलती हैं। आइस स्केटिंग का मतलब होता है बर्फ के ऊपर बेटा लोग फिसलते हैं, आपने देखा होगा पैरों में एक बड़ा वो पैरों में एक पैड पहन लेते हैं शूज के साथ और दो स्टिक ले लेते हैं, दो स्टिक लिए रहते हैं और बर्फ पे फिसलते हैं ना, तो आइस स्केटिंग कही जाती है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज व्हाट आइस स्केटिंग। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से बेटा इस लेशन नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन था, स्टोरी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप सारे लोगों को बातें समझ में आई होंगी, कश्मीर जो क्राउन ऑफ इंडिया है, भारत का ताज है, उसके बारे में, उसकी खासियत क्या है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, टूरिस्ट के लिए कैसा प्लेस है, एडवेंचरस प्लेस भी है,
तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो आई होप कि इस लेसन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। कितने लोग इस ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं प्लीज अपना नाम बताएं एक बार, प्लीज टेल योर नेम। फरहान रजा, ओके, जायरा बतूल, अनस फारूकी और जोहर अब्बास, हर्ष प्रजापति। अच्छा, ये लोग जुड़े हैं बेटा। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया? हाँ, इस लेसन के बारे में क्या था, मैंने स्टोरी एक्सप्लेनेशन के सेशन में ये कर दिया। इसमें आपको होमवर्क क्या करना है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, पोएम में 8 लाइन पोएम अपनी कॉपी में लिखिए, 8 लाइन पोएम इस लेसन की। पोएम का क्वेश्चन आंसर मैं नहीं कराता बेटा, सिर्फ 8 लाइन पोएम आप लिखेंगे, 8 लाइन पोएम लिखेंगे स्टूडेंट इस लेसन की। क्या बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट? लेसन नंबर 12 का क्वेश्चन आंसर मैं अभी भेज रहा हूं, लेसन नंबर 12 का जो क्वेश्चन आंसर होगा अभी भेज रहा हूं मैं। तो आज की क्लास के लिए स्टोरी एक्सप्लेनेशन में इतना ही करेंगे स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन ज्वाइनिंग अस हियर, सी यू अगेन टुमारो क्लास। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू ऑल।